हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मौसमी, आप सब देख रहे हो मौसमी एंट्री पंच चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक हैक से शेयर करूँगी जो कि आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था कि आप ड्राई मस्करा को कैसे दोबारा रीयूज़ कर सकते हो, क्योंकि कुछ होते हैं ना कि हम लिक्विड मस्करा, आईलाइनर, लिपस्टिक या फिर और वगैरह कुछ लेके आते हैं, लेकिन उसे हम ज़्यादा दिन तक यूज़ भी नहीं कर पाते हैं और वो ड्राई पर जाते हैं, फिर हम इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इससे पहले मैंने जो शेयर किया था एक मस्करा का शेयर किया था कि आप इसे दोबारा कैसे रीयूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको मेरे आई बटन में मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो पर मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि आपके घर पर कि ऐसे अगर मेरी तरह जैसे कि यहाँ पर ड्राई लिक्विड सिंदूर है जो कि ड्राई हो चुके हैं, यहाँ पर दो लिक्विड लिपस्टिक है जो कि ड्राई पड़ चुके हैं, और आईलाइनर है वो भी ड्राई पड़ चुकी है, और दो आईलाइनर साथ में यहाँ पर एक मस्करा है जो कि है ये भी थोड़ा सा ड्राई पड़ चुके हैं। तो इसे मैं कैसे ठीक करूँगी कि दोबारा जैसे मैंने नए खरीदा है ठीक वैसे मैं कैसे इसे बनाऊँगी जिससे मैं दोबारा इसे रीयूज़ कर सकती हूँ। तो बहुत ही ईजी है एंड सिंपल है, इसके लिए आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई केमिकल आपको इसके साथ ऐड करना है, कुछ भी नहीं। बस आपको बस एक सिंपल सा टिप्स आपको फॉलो करना है और आप इसे दोबारा रीयूज कर सकते हो। तो चलो देखते हैं उसे कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकती हूँ NYV का एक आईलाइनर जो कि मैं कुछ ही दिन पहले लाई थी और ये सूख गए हैं, एकदम पूरी तरह से सूख गए हैं। और यहाँ पर एक और एक आईलाइनर देख सकते हो, ये भी ब्लैक आईलाइनर है और एक पेंसिल टाइप में है और एक भी सूख गए हैं। यहाँ पर एक ग्रीन आईलाइनर देख सकते हो, ये भी पेंसिल टाइप में है और ये सूख गए हैं। यहाँ पर एक लिपस्टिक देख सकते हो जो हुडा ब्यूटी का है, वो ये लिपस्टिक जो गाढ़ा हो चुके ज़्यादा। और यहाँ पर एक मस्कारा देख सकते हो, मस्कारा भी थोड़ा सा ड्राई पड़ने लग गए हैं। और ये सिंदूर जो देख सकते हो एकदम ड्राई पड़ चुके हैं ये। तो सभी चीज़ों को मैं अभी क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर लिया है। तो ये पानी पे मैं क्या करूँगी, ग्लास के अंदर थोड़ा सा गर्म पानी लूँगी, गर्म पानी में मैं सभी चीज़ों को छोड़ दूँगी। कम से कम 2 से 3 मिनट तक मैं इसमें डीप करके रखूँगी सभी चीज़ों को जो भी सूख गए हैं। 2-3 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ जो पेंसिल वाले आईलाइनर है वो देख सकते हो एकदम गाढ़ी एकदम घार का ब्लैक कलर में आ रहे हैं। और लिपस्टिक भी देख सकते हो कितना अच्छा कलर, जो भी मतलब जैसे कि मैंने नए खरीदे हैं ठीक वैसे ही दिख रहे हैं सब कुछ। ये सिंदूर देख सकते हो जो कि ड्राई पड़ चुके थे एकदम, तो ये भी एकदम से ठीक हो गए हैं, एकदम नए जैसे लग रहे हैं। तो इस तरह से आप सभी चीज़ों को, जो भी आईलाइनर, मस्कारा या फिर लिपस्टिक वगैरह जो भी आपकी लिक्विड वाली सूख गए हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए कि आप इसे परचेस किए हैं और ये सूख गए हैं, तो इसी तरह से आप इसे दोबारा रीयूज़ कर सकते हो। बहुत इजी एंड सिंपल सा ट्रिक है, बस आपको गर्म पानी के अंदर 2-3 मिनट के लिए आपको इसे डिप करके रखना है और सब कुछ आपको पहले जैसा ही लगेंगे कि देख सकते हो ये मस्कारा कितना अच्छा कलर दिखा रहे हैं अभी। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस हैक्स को फॉलो करते हो ना, तो फिर अगर आप जो भी लिक्विड लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्कारा फेंक रहे थे उसे आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे दोबारा रीयूज़ कर सकते हो। और मैंने दिखाया भी है, इसके साथ कुछ भी मैंने केमिकल वगैरह भी ऐड नहीं किया है। आप एक बार ट्राई करके तो देखो, इसका 100% श्योर हूँ मैं कि आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आप इसे जाके अभी से ट्राई करो, अगर आपके कुछ ड्राई मस्कारा वगैरह सूख गए हैं तो अभी ट्राई करो और मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको रिजल्ट इसका कैसा मिला है। सो गाइस, आई होप आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं, जानना चाहते हो इसी तरह की नॉलेज और ब्यूटी टिप्स और प्रोडक्ट का रिव्यू मैं शेयर करती रहती हूँ, सो अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बेल आइकन के साथ, और फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।